राजनीति यानी राजनेता लोग जो करते वो जिनके कोई भी चीज का शास्त्रों में कहा गया था कि सारी धरती का भार वो शेष नाग उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश एक ही एक इलाका है जिसको महाराष्ट्र कहा जाता है और ये एक महाराष्ट्र एक इकलौता स्टेट इस देश के अंदर सच्चों के लिए अगर हम कोई अच्छी तरीके से मैं आपको सक्सेस का कारण बताता हूँ। आज मैं नागपुर छोड़ के आया, मेरा आधा दिल वहां पर है, बस दिमाग से भर मैं यहाँ हूँ क्योंकि क्लोज है। उसके घर हम पांच गणमान्य नागरिक जाते हैं संडे के दिन शाम को चाय। जगह आरक्षण नहीं होने की वजह से आज हमारा देश टॉप पर है। अगर आरक्षण होता तो हमारे कोई चौहान कवि ने लिखा हुआ मध्य प्रदेश से उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी। मुझे रात को पता चला कारण जब मुझे मैंने व्हाट्सएप खोला तो रात को 1:10 पता चला कि मुझे यहाँ आना है तो मैं यहाँ आया। मैंने रात को 2:30 उनको फोन किया कि भाई साहब मुझे कुछ आरक्षण पे बोलना है तो आप मुझे कुछ पंक्तियां लिख के भेजे। तो मैं वो चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने रात सवेरे 3:30 मुझे ये कविता लिख के भेजी, मैं वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। करे सूर्य का बंटवारा कैपी ले लो ना 50 दो कितना 3 के 2 बीच में हमारे नागपुर के जो भाइयों थे वो नेचुरली सभी लोग अस्वस्थ हो गए, कुछ आगे बढ़ नहीं रहे थे, हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, लेकिन वो डिसीजन को रिजर्व किया गया। उसके बाद नागपुर के भाइयों ने भी नागपुर में याचिका दाखिल की और नागपुर में उन्हें यश मिला, फर्स्ट टाइम स्टे मिलने में। कोर्ट ने 2 मई को स्टे दिया, उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां भी हम जमकर लड़े और वहां भी हमको यश मिला। लेकिन हमारा बुरा नसीब या जो भी कहें, सरकार ने उस पर अध्यादेश लाया, एक ऑर्डिनेंस लाया और उसको बाईपास कर दिया। तब हमको बोला नहीं अभी पीजी एडमिशन खत्म हो गए, अभी इन द मंथ ऑफ मार्च ये हमको रियलाइज हुआ, खास करके पूरे विदर्भ को रियलाइज हुआ कि सिर्फ लीगल फाइट से कुछ नहीं होगा। और तब जाके ये हमारी मूवमेंट ये आगे बढ़ी। और इसमें मैं हमारे विदर्भ के भाइयों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये जो पब्लिक प्रोटेस्ट हमारे डेमोक्रेटिक मैनर में आया उस वजह से वो उस तरह से चला रहा। अभी हम इस स्थिति में है। सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम? मैं सुधा शेनॉय हूँ, मुंबई से, सेव मेरिट सेव नेशन की कार्यकर्ता। क्या है सेव नेचर से ये जो आज मोर्चा निकला, किस चीज का है सभा? ये सेव मेरिट सेव नेशन ये एक ऐसा आंदोलन है जो सामान्य वर्ग के सभी धर्मों के लोगों को एकत्रित किया गया है अत्यधिक आरक्षण के विरोध में आवाज उठाने के लिए। ये जो आरक्षण है आज 75% के ऊपर चला गया है और मेरिट को आज 25% भी नहीं मिल रहे हैं और हमारी मांग सरकार से यही है कि 50% से ऊपर आरक्षण ना हो और उस 50% में मेरिट का ही गरिमा होनी चाहिए, बाकी बचे हुए 50% में आप जिसको भी देना हो, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सारे धर्मों के लोगों को दे, जाति देखकर ना दे, हमारा यही निवेदन है सरकार से। कितनी बड़ी समस्या आपने देश के लिए? देश के लिए ये बहुत बड़ा समस्या है क्योंकि आप ही सोचिए कि एक कम मार्क के लोगों को आज एडुकेशन में नीचे के स्कोर वाले को दे रहे हो आप, लेकिन मेरिट वाले को आप सीट नहीं दे रहे हो ना एडुकेशन में ना एम्प्लॉयमेंट में, तो आपको किस तरीके के प्रोफेशनल्स मिलेंगे कल को? एक अच्छा डॉक्टर मिलने से वंचित होगा ये देश, एक अच्छा लॉयर मिलने से वंचित होगा, कोई भी प्रोफेशनल आपको क्वालिटी मेरिटोरियस नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि इस देश को अगर डेवलप नेशन के रूप में देखना चाहते हो तो एक मेरिट को ऊंचा स्थान मिलना चाहिए और उसमें 50% मेरिट हो, 50% पिछड़ा वर्ग को दे दो आप, उनको भी ऊपर लाया जाए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरिट के हक का हक मारकर नहीं। 90% आते हैं, 95% उनको भी एडमिशन नहीं मिलता है, 40% को एडमिशन मिल जाता है कॉलेज में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहते हैं आज 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड में 90% जिसको मिले हैं उनको भी अपने उनका फील्ड का कॉलेज नहीं मिला है, लेकिन जो आरक्षित वर्ग का बच्चा है वो 40% वाले बच्चे को सीट मिला हुआ है। आपको लगता है वो कैपेबल होगा उस कोर्स को कम्प्लीट करने का?
आप अगर एनालिसिस करो तो काफ़ी बच्चे जो है मेडिकल फील्ड में हो या इंजीनियरिंग में, फर्स्ट ईयर में ही वो बच्चे छोड़ देते हैं सीट। ये सीट का ही नुकसान नहीं है, काफ़ी तरीके से एक प्रोफेशनल लाइफ का जो आज नेशन है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, इसका नुकसान है। सरकार इसके बारे में क्यों नहीं सोचती है? हम चाहते हैं कि सरकार हर 5 वर्ष में जातिवादी का समीक्षा करें और जिसको आरक्षण का लाभ मिला हो उसको अपलिफ्टमेंट के तहत जनरल कैटेगरी में लिया जाए और गरीबों तक ही ये आरक्षण का सीमा दीजिए। अगर कोई गरीब है, ऊंची जाति का है, उनको नौकरी नहीं मिलती चाहे कितना ही पढ़ लेता है, जो गरीब है या पैसा भी है उनके बहुत सारे, जैसे आरक्षण की बात करें, गुजरों की अगर बात करें, गुजर बहुत पैसे वाली कास्ट है, उनको भी आरक्षण में ले लिया गया है जिनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहते हैं सरकार से कि आप दबाव में आकर हर एक के मांगे पूरी करने के लिए ना जाए, जो जायज है उसी को देखा जाए, जो गरीबों को ले आरक्षण दे, बाकी लोगों के लिए आप जो भी है वो फ्री शिप दे दिए, सब्सिडी दे दे, काफ़ी सारे अलग प्रोग्राम होते हैं अपलिफ्टमेंट के, सिर्फ आरक्षण अकेला सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन दूसरे भी होते हैं, उसकी तरफ देखा जाना चाहिए। आरक्षण रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? एजुकेशन के लिए कितना जरूरी आरक्षण होना या नहीं होना, आपकी डिमांड क्या है? हमारा डिमांड यह है कि फिलहाल तो 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए आरक्षण, और उसमें भी ग्रेजुअली कहीं ना कहीं एक टाइमलाइन डिफाइन हो कि 70 साल से आप आरक्षण को बढ़ाता जा रहे हो, इसका टाइमलाइन होना चाहिए कि इनको आरक्षण मिला है तो कितने वर्षों तक मिले, उतने वर्षों में उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए और इसकी समीक्षा होकर 0% तक कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए। आपको लगता है आपकी बात सुनी जाएगी? हमको विश्वास है कि अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर सरकार आज जो मोदी जी ट्रिपल तलाक का बिल पास करवा सकते हैं, 370 का पास करवा सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, तो आरक्षण के लिए भी क्यों नहीं सुनेंगे बात? जो सीएम है उसके पैतृक गांव से भी लोग आए हुए हैं, बार बार एक ही बात कही जा रही है कि मैं सीएम के गांव से हूँ, क्या सीएम का आपका क्या रिस्पॉन्स मिलता है सीएम की तरफ से आपको? पहले जब हम आवाज़ उठाते थे तो हमारे तरफ कोई भी सरकार सुनने की तैयारी में नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा आंदोलन बढ़ता गया, आज हमारे आंदोलन में काफ़ी लोग जुड़ गए, आज के दिन नागपुर में 1.25 लाख लोग जमा हुए हैं, नागपुर में, सोलापुर में 25,000 लोग जमा हुए हैं, मुंबई में अबाउट 5,000 के ऊपर लोग जमा हुए हैं, जो तो ये प्रेशर उनके ऊपर भी आ रहा है। उन्होंने हमको मीटिंग के लिए बुलाए थे, सीएम ने 2 घंटे से ऊपर हमारी मीटिंग हुई है, काफ़ी मुद्दों पर उन्होंने एग्री किया हमारे बातों पर और मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी दिए, लेकिन जब तक जीआर नहीं पास होता और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और हम उनके दबाव में नहीं आएंगे। हमने सीएम साहब को भी क्लियरली बताया कि ये आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है, वो हमारे लिए ठीक है, लेकिन हमारी लड़ाई 50% की जब तक कंप्लीट नहीं होगी हमारा आंदोलन चालू रहेगा। एक तरफ काफी बिल्कुल अलग लड़ाई है आपकी, पहले आरक्षण की लड़ाई होती थी, रेलें रोकी जाती थी, कॉलेज में आगजनी होती थी, जब आरक्षण शुरू हुआ था 89 की बात करें, एक है कि आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, और आप कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, वाइट कपड़ों में है, कोई काली पट्टी नहीं है आपके ऊपर, क्या कहना है इस बारे में? बहुत शांति प्रिय है हमारा जो आंदोलन है, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं और हम चाहते हैं कि अगर हमारे टैगलाइन में देखो, सेव मेरिट सेव नेशन, मतलब हम देश के भले के लिए सोच रहे हैं, हम चाहते हैं देश प्रोग्रेसिव हो। आज अगर देश चांद पे गया है तो हमारा देश का नाम सारे विश्व में आगे आना चाहिए, डेवलप्ड नेशन के नामों में आना चाहिए, ना कि पिछड़ा हुआ। हम यहाँ पर लोगों की होड़ लगी हुई है बैकवर्ड कहलाने की, हम चाहते हैं बैकवर्ड नहीं, हम फॉरवर्ड कहलाए। ये चीज सिर्फ इंडिया में ही है, विदेशों में नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विदेशों में भी एफर्मेटिव एक्शन होती है, लेकिन रिजर्वेशन की तरफ से नहीं, उनमें सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, फ्री शिप दी जाती है, काफ़ी अलग सोल्यूशन होता है, ये हमारी सरकार क्यों नहीं देखती? और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप देश? हम देश के लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि सेव मेरिट सेव नेशन के तहत हम देश को एक प्रगतिशील नेशन की तरफ बढ़ाए। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पर काफी संख्या में आप लोग आए हुए हैं, मोर्चा निकाला है सेव नेशन सेव मैरिट करके, एक मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, क्या है ये? देखिए मैम, एक्चुअल में ये मोर्चा नहीं है, दिस इज ऑपरेशन, ये एक प्रकार से अभियान है, जो कि एक प्रतिभाशाली जो प्रतिभाएं है, जो मेरिटेड स्टूडेंट है, जो ये देश का
फ्यूचर है, जो भविष्य है, जो देश को अच्छे दिशा में एक अच्छे टैलेंट के रूप में आगे लेके जाने के लिए ज़रूरत है, ये सब बच्चों के लिए, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, उन बच्चों के लिए ये एक मिशन, एक ऑपरेशन, ये सब सेव मेरिट सेव नेशन ये टाइटल के अंडर चल रहा है मैम। और सर, जिस तरीके से मेरिट की अगर बात की जाए या आरक्षण की बात की जाए, कहीं ना कहीं जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो इस तरीके के कैपेबल होते हैं, उन्हें एक साइड करके आरक्षण के नाम पर उनके साथ में धोखाधड़ी की जा रही है। देखिए, मैं इसको धोखाधड़ी बोल के इस तरीके से मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि टैलेंट जो होता है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ओपन कैटेगरी में आओ, रिजर्व बच्चों में भी टैलेंट होता है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए ये जो मोशन है इनमें यही बोला गया है कि 50% जो गाइडलाइन दिए है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइन दी है उसके ऊपर न जाते हुए अगर आप सभी को समान अगर एक हक दो तो ये देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा मैम। आरक्षण हटा दिया जाए तो एजुकेशन कितना आगे बढ़ सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, आरक्षण हटाना वो आज मोटिव नहीं है, वो आज इंटेंशन नहीं है, वो आज चलवर नहीं है, और यहाँ वो मिशन नहीं है। आरक्षण सीमित दिशा में और लीगली जितना एक दिया गया है वो रेशो में रहना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। उसमें एजुकेशन का आप जो पूछ रहे हो, डेफिनेटली एजुकेशन, अच्छा टैलेंट जाएगा ही, क्योंकि अगर आप उसको बायकर्पेट करो, आपको एक सिंपल एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ कि इंग्रेज लोगों ने ये देश को डिवाइड एंड रूल में जो लाया है, उनका एक ही इंटेंशन था, ये देश को तोड़ दो। तो ये देश को तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल उन्होंने अप्लीकेबल किया, और वही अपने को देखने मिल रहा है कि आने वाली अभी जो भी अपकमिंग होगी या जो भी है सरकारें है जो भी है, इन्होंने ना कि वोट बैंक या ना पॉलिटिक्स, ऐसा करते हुए सिर्फ देश के भविष्य का अगर विचार कर जाए, क्योंकि अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मैडम पहले देश, तो देश के लिए अगर आप सोचो तो ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि एजुकेशन डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, कि अच्छे लोग, अच्छे टैलेंटेड अगर ये देश में आएंगे तो आपके ये देश का टैलेंट बाहर देश में नहीं जाएगा। आज आप देखिए कि बड़े बड़े कंट्रीज की तरफ से ऑफर दी जाती है इंडियन लड़कों को, क्यों दी जाती है? अगर ये चीज़ें नहीं रुकी तो उनको ये दिख जाएगा कि भाई अपना फ्यूचर यहाँ सिक्योर नहीं है, और ये आरक्षण आरक्षण में अपन कहीं तो भी फंस रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो बाहर देश में जाने का सोचेगा, तो इंडिया के टैलेंट ही नहीं बचेंगे, ऐसा इसमें लॉस हो सकता है। मैं थैंक यू सर, क्या कहेंगे आज यहाँ पर आज़ाद मैदान में इस तरीके से आप लोगों को भारी संख्या में आने की जरूरत क्या पड़ी? यहाँ पे हम लोग एक अभियान के तहत आए हुए हैं, और इस अभियान का जो नाम है सेव मेरिट सेव नेशन के तहत हम लोग आए हुए हैं। बेसिकली इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि जो आरक्षण अभी महाराष्ट्र में 50% को पार कर गया, लगभग 75% और 80% को छू रहा है, ये इसकी वजह से जो ओपन क्लास या खुला वर्ग जिसको हम कहते हैं, और मेरिट के जो मेघावी छात्र हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज़ ड्रास्टिकली कम हो गई हैं, जिसकी वजह से जो है ये इस अभियान को शुरू किया गया है। और सरकार से ये आग्रह है, आह्वान है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उसे फॉलो करें, 50% की सीमा को लिमिट में ही रहने दें, और आरक्षण को 50% से ज़्यादा ना बढ़ाएं, ताकि ओपन मेरिट के भी स्टूडेंट्स और बाकी लोग भी जो हैं सबको एक बराबर का प्लेटफॉर्म मिले, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और जो है सबका सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, इस वजह से हम लोग यहाँ पर आज आए हुए। सबसे पहले तो आपका नाम बताना और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रुचिता कड़ली है, मैं जोगेश्वरी में रहती हूँ, बट मेरा कॉलेज विले पार्ले में, कुपर हॉस्पिटल, एचपीटी मेडिकल कॉलेज कुपर हॉस्पिटल विले पार्ले। क्या वजह हुई है कि आज आप लोगों को यहाँ मोर्चे में शामिल होना पड़ा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक ओपन कैटेगरी की स्टूडेंट हूँ, मैं आई नो कि सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग आगे बढ़ते हैं, बट मैंने मेरे को बहुत शॉकिंग न्यूज़ ये लगी कि मैंने सुना कि 15% सिर्फ ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स, और 85% पूरा रिजर्व्ड है, उसमें 15% में भी उसमें डिफेंस अलग है एंड अलग अलग, तो उसमें मेरिट के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको टोटली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको एडमिशन्स नहीं मिलता। और सर ने जैसे एक एग्जांपल बताया था, 4000 के एक स्टूडेंट, नीट पीजी में AIR 4000 के एक स्टूडेंट को लिया, और AIR 36,000 प्लस को लिया, तो जो 4000 का रैंक का स्टूडेंट था उसको कोई भी एडमिशन नहीं मिला, तो मतलब उसका एक ईयर वेस्ट हो गया ना, अभी उसको वापस देना पड़ेगा। और जो 36,000 प्लस का जो था उसको टॉप स्पेशलिटी में, टॉप कॉलेज में मिला, द ओनली रीज़न ही गॉट इज रिजर्वेशन।
आप सब को कितना डिफरेंट देखने को मिल रहा है, जैसे अगर आरक्षण की यहाँ पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इसका खामियाजा भरना पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स उसके वजह से क्रिएट हो रही है। हाँ ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है बिकॉज हमारा हम लोग पीजी देते जो यूजी होता है एग्ज़ाम वो पीजी से भी पीजी डिफ़िकल्ट होता है यूजी से तो हम लोग को अपना अगर हम लोग ने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला तो हम लोग को फिर हमारे ईयर्स भी वेस्ट करने पड़ते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। एंड वो उसके अगेंस्ट नहीं है हम लोग, बस हम लोग चाहते हैं कि जो AIR जिसका ज़्यादा हो उसको कोई स्पेशलिटी में मिले बस, और कुछ नहीं, किसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट हम लोग नहीं हैं, बस 50% से कम रिजर्वेशन होना चाहिए बस। दैट्स ऑल। हमारा हमने जो भी ये किया था उसमें हमारा यही विचार था कि मोर्चा हमारा शांतिपूर्ण ही रहेगा। हम जैसे लोग हमको ताने भी मारते हैं कि हम बुद्धिजीवी लोग हैं तो या सूट बूट के लोग सूट बूट वाले लोग हैं, लेकिन वैसा नहीं है, हमको शांतिपूर्ण ही करना था और ये हमारा अभियान है जैसे हमारे लोगों ने बताया हुआ है, कोई आंदोलन नहीं है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी रिजर्वेशन है वो 50% तक ही सीमित हो और उससे ज़्यादा उसको ना बढ़ाया जाए, बचा हुआ जो 50% है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उनके लिए रखा जाए। ये हमारे देखिए सर एक अच्छा ऑपरेशन आज देश में शुरू हो रहा है हर लेवल पे, छोटे छोटे गांवों से लेके आज मुंबई तक ही आ चुका है। आज़ाद मैदान ये एक ऐसा मंच है जहां सब बड़े बड़े जो मुद्दों के ऊपर आंदोलन हुए हैं ऑपरेशन हुए हैं उनको सक्सेस मिला है। तो हमें भी लगता है कि ये जो युवा है देश की जो नई पीढ़ी है जो टैलेंट है उसको एक अच्छा आगे फ्यूचर मिलना चाहिए और सबसे बड़ा भारत देश के गौरवशाली इतिहास में इसका एक सब बच्चों के लिए एक होना चाहिए, इसलिए एक ऑपरेशन चल रहा है। मेरा ये मेरा केवल सरकार से ये कहना है कि योग्यता के लिए 50% तो होना चाहिए। देश में जब से देश आज़ाद हुआ तब से चला आ रहा है, पहले 10% पर था, बाद में वो 20-22% पे हुआ, बाद में 50% पे हुआ और अभी महाराष्ट्र में ये 75% को क्रॉस कर गया है, लगभग 80% तक आ गया है। तो अभी इस वजह से महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि जो मेगावी छात्र हैं जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एडमिशन को लेकर के बहुत कम हो गई हैं, खाली 20% या 22% की अपॉर्चुनिटी उनके लिए बची हुई है, जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स ला करके अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी उनको अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो स्थिति अभी निर्माण हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% को लांग गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए थे कि आरक्षण की सीमा 50% तो को हमारे एक साल में मैं इतना नहीं कमाऊंगी, एक साल में घर में बैठ के और एक स्टडी करूंगी, मजबूत बनूंगी और 90 के ऊपर परसेंटेज लेके आए आज जे जे हॉस्पिटल में है। ये हक है ना उसका, उसने अपने हक का किस तरह लिया, आपको बोला पैसे लगाओ, हमको बोला पैसे लगाओ, यही तो होना है। अरे हक जिसे मिलना है उसको दो, मैं गिरूंगा तो 10 हाथ खड़े हो जाते उठाने के लिए करके। हाँ और जब कोई और बात आती है तो वही हाथ जो फैला हुआ है संभालने के लिए करती है।